देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। यूपी में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर योगी सरकार सख्त। माहभर में 1449 लोग गिरफ्तार। जहरीली शराब से आए दिन हो रही मौतों के मामले सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद सख्त रुख अपना रखी है। अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार चल रही है। हर जिले में छापेमारी करके अवैध शराब बनाने व तस्करी करने वालों की धरपकड़ की गई। इसके तहत फरवरी महीने में 1449 लोगों को गिरफ्तार करके 63 वाहन जब्त किए गए। अभियान में 152,272 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जबकि शराब में प्रयुक्त होने वाला 449,414 किलोग्राम लघन मौके पर नष्ट कराया गया। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत मुजफ्फरनगर में एक कार से 23 पेटी नकली तोहफा ब्रांड के देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे स्टार डी न्यूज के साथ।